आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पद्म सीकरी के दीवाने खास पिलर की खूबसूरती और सैलानियों के स्पर्श से बचाने के लिए टफन ग्लास लगाया गया है। इससे पहले सैलानियों के स्पर्श करने से पिलर गंदा हो जाता था, जिसको लेकर एएसआई ने दीवाने खास के पिलर के चारों ओर टफन ग्लास लगा दिया है। फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास के पिलर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एएसआई ने बेहतरीन कदम उठाए हैं। सैलानियों के स्पर्श से गंदे हो रहे पिलर के चारों तरफ टफन ग्लास लगा दिया गया है। आपको बता दें कि रेड स्टोन से बना पिलर सैलानियों के छूने के चलते उस पर धब्बे नजर आने लगे हैं। वहीं सैलानियों के स्पर्श से दीवाने खास के पिलर अपनी खूबसूरती खोता जा रहा था। एएसआई ने फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास के पिलर के चारों तरफ लकड़ी की रेलिंग के साथ टफन ग्लास लगाए हैं, जिसके लगने से सैलानी पिलर का स्पर्श नहीं कर सकेंगे, जिससे पिलर की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। अधीक्षण पुरातत्व डॉक्टर बसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि पिलर के संरक्षण को लेकर यह काम किया गया। सैलानी पिलर को स्पर्श नहीं कर सकेंगे, जिससे वो साफ रहेगा। इससे व्यू भी प्रभावित नहीं होगा और ग्लास को गंदा होने पर आसानी से साफ भी किया जा सकेगा। मुख्य खंभा है जो सबसे डेकोरेटेड पार्ट है फतेहपुर सीकरी का, उसको दर्शक पास में जाके छूते थे, जिससे हाथों का ग्रीस और मैल जो उस पर लगता था और वो पत्थर काफ़ी ख़राब हो रहा था। इसके लिए उसको बचाने के लिए लकड़ी की रेलिंग लगाकर टफन ग्लास लगाया गया है, जिससे किसी प्रकार से विजुअल इम्पैक्ट ना हो और दर्शक उसको दूर से उसकी खूबसूरती को निहार सके। ताजमहल में मुख्य मकबरे में कब्रों वाले कक्ष के चारों ओर संगमरमरी जाली लगी हुई है। वर्ष 2014 में जाली और कक्ष की दीवारों को सैलानियों के स्पर्श से हो रहे नुकसान से बचाने को टफन ग्लास लगाने का प्रस्ताव बनाया गया था। इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता था। बाद में स्टील की रेलिंग लगाकर सैलानियों को जाली और दीवारों को छूने से रोका गया। टफन ग्लास सामान्य ग्लास की अपेक्षा 6 गुना मजबूत होता है। रासायनिक और थर्मल ट्रीटमेंट द्वारा इसे अधिक मजबूत बनाया जाता है। टूटने पर यह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, जबकि सामान्य ग्लास टूटने पर नुकीला टुकड़ों में बढ़ जाता है। घरों में दरवाजे, रेलिंग, टेबल आदि में भी इसका उपयोग होता है। यह लगने के बाद प्राचीन स्मारक सुरक्षित हो जाएंगे, पर्यटक उन्हें क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।